हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 1x1 करके सारी यूनिवर्सिटियों के फिजिकल फिट टेस्ट के प्रोसेस जो हैं स्टार्ट होते जा रहे हैं और कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं GGU, जिसको आप बोलते हैं GGU, और इसकी फुल फॉर्म होती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इसके एडमिशन के प्रोसेस में बात करने वाले हैं कि इसका जो फिजिकल फिट टेस्ट जो है किस तरीके से होगा और इसके फॉर्म कब आने वाले हैं, स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, फिजिकल फिट टेस्ट होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो गुरु घासीदास जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो फॉर्म है, अभी आपको किसी को नहीं पता होगा कि किस तरीके से ये अपना फिजिकल फिट टेस्ट कराएंगे या लेंगे या नहीं लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने जब सीयू सेट के जब फॉर्म आए थे, बीपीएड और एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम को जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, एनटीए ने फॉर्म निकाले थे, उस टाइम अगर आपने जीजीओ को सेलेक्ट कर रखा है, जीजी यूनिवर्सिटी को आपने उसमें अपनी यूनिवर्सिटी के जो कॉलम थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं, उसमें अगर आपने यस कर रखा है, तो आप तभी इसका जो है फिजिकल फिट टेस्ट दे पाएंगे। अब बात आती है कि फिजिकल फिट टेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को शुरुआत में क्लिक कर रखा था, सेलेक्ट कर रखा था, तो आप अपनी मेल चेक करते रहें, क्योंकि ये फिजिकल फिट टेस्ट नहीं कराएंगे ऐसा सुनने में आया है। और इनके यूनिवर्सिटी में, इनके विश्वविद्यालय में जो प्रोसेस होता है, वो 1 वीक पहले ही पता चल पाता है स्टूडेंट्स को कि फिजिकल फिट टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा। ये बात पक्की है कि यहाँ पर जो है स्पोर्ट सर्टिफिकेट का जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर आप अपनी मेल को चेक करते रहें। जिन लोगों ने शुरुआत में जीजी यूनिवर्सिटी को लॉक कर रखा था, मतलब फॉर्म में अपने में मेंशन कर रखा था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो आप अपनी मेल चेक करते रहें। जिन लोगों ने इसको सेलेक्ट कर रखा है, उसके पास मेल जाएगी कि आपका फिजिकल फिट टेस्ट इतनी डेट में होने वाला है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोविड में उन्होंने फिजिकल फिट टेस्ट नहीं लिया था और सर्टिफिकेट के बेस पे हुआ था सिलेक्शन। उससे पहले भी जो है सर्टिफिकेट बेस और बेसिक जो है स्किल टेस्ट, तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में स्किल टेस्ट भी हो सकता है और फिजिकल फिट टेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी इसके बारे में क्लियर कट नहीं पता है, 1-2 दिन में ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि फिजिकल फिट टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा। सर्टिफिकेट का जो है एडवांटेज मिलता है, आप सर्टिफिकेट जितना अच्छा हुआ आपके पास, उतना ही बेनिफिट आप ले सकते हैं जीजीओ यूनिवर्सिटी में। अब या तो 1 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, मेल आपके आ जाएगी आपके पास मेल आना, या फिर वो फॉर्म निकालेंगे। तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि वो जिन्होंने शुरुआत में यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास मेल जाएगा और किसी के पास मेल नहीं जाएगा। अगर उन्होंने फॉर्म निकाल दिए तो सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फिजिकल फिट टेस्ट के लिए, बट इसमें वही भर पाएंगे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को लॉक कर रखा है। हो सकता है अदर भी भर ले, मगर ऐसा भी क्लियर नहीं है। मैं ये आज या कल में क्लियर करके आप तक पहुंचा दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन और फॉर्म कब आने वाले हैं। एक आपका अक्टूबर, 2 अक्टूबर से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे, या तो फॉर्म आएंगे या फिर आपके मेल पर आएगा, क्योंकि मैंने तो फॉर्म भरा नहीं है। तो आप अपनी मेल चेक करते रहें कि मेल जीजी यूनिवर्सिटी से आ रही है नहीं आ रही है, तो उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आपको, फिजिकल टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा या सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा, ये पूरी डिटेल उस मेल पर होगी, आप चेक करते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मेल चेक नहीं करते और उनको पता नहीं चल पाता है वो क्या रहा है। ये जीजी यूनिवर्सिटी का जो फिजिकल टेस्ट का ये प्रोसेस है, तो सारे खिलाड़ी एक्टिव हो जाएं, अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें और अपना फिजिकल फिट टेस्ट है और जो भी आप डिफरेंट गेम के उस बेसिक स्किल जो होती है उस पर भी अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, विदाउट सर्टिफिकेट का किसी का एडमिशन नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कॉलेज होते हैं, वो ले लेते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उससे पता चलता है कि ये जो है स्पोर्ट पर्सन है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर जीजीयू के यूनिवर्सिटी के बारे में कब इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है कि आप आज से अपनी मेल चेक करते रहें, फिजिकल फिट टेस्ट की तैयारी करते रहें और अपनी स्किल टेस्ट की भी तैयारी करते रहें और डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर लें, जिससे तो
तुरंत इन्फॉर्मेशन आए, 1 वीक का ये टाइम देते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन में जो JRF देने वाली यूनिवर्सिटी है ऐसा माना जाता है, ऐसी सर्वे है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो है अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।